हाय फ्रेंड्स, आजकल कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर जो हिजाब की बेइज्जती की जा रही है, हिजाब को लेकर जो तमाशा कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं। आज बच्चों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजेस में आने नहीं दिया जा रहा है। सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और उसके बावजूद हमारे मुस्लिम लीडर जो है, इन्होंने आज़ादी के बाद कई मर्तबा चुन कर आए, लेकिन इन्होंने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया। हालांकि इनको इनके घर से कुछ नहीं देना था, इनको वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी थी, वक्फ की प्रॉपर्टी को इन्होंने बेचा, कभी अमीरों को, कभी गुंडे मवालियों को दिया, बर्बाद किया वक्फ की प्रॉपर्टी को। और जो है आज हमारी स्कूल कॉलेज होती तो हमारे बच्चियाँ अपने कॉलेज में जाती, कोई उनकी बेइज्जती करने वाला नहीं होता। हमारी कौम जो गरीब लोग जो हॉस्पिटलों के लिए परेशान रहते हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटलों में जाते हैं। आज कई कम्युनिटी के अपने हॉस्पिटल हैं, कहते हैं कि जैन 1% है, लेकिन आज उनका अपना हॉस्पिटल है। हमारा हॉस्पिटल भी नहीं है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, बस एक बहुत बड़ा एक तरीके से मुसलमानों को बेइज्जत किए जा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, कैसे बर्बाद हो गया पता नहीं, इनका क्या हाल होगा।